अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं बिग ब्रॉडकास्ट और मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आज हम आए हुए हैं 11 जून के बाद नॉर्थ कराची में, तो आपको यहाँ के नज़ारे कराते हैं। यहाँ बच्चों के लिए क्या क्या झूले वगैरह रखे हैं और खाने के लिए क्या स्पॉट वगैरह हैं, तो चलिए चलते हैं पार्क की तरफ। अच्छा, ये पार्क के बिल्कुल जो है ना एंट्रेंस पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ से आपको एंट्रेंस दिखा रहे हैं, गेट वगैरह है सारा, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये शुरू में जो है ना वो मॉन्यूमेंट लगा हुआ है पाकिस्तान काजी राम का मॉन्यूमेंट लगा हुआ है। दूसरी तरफ आते हैं ये गुरु का नाम वगैरह मोइन अख्तर जू के नाम से जो है ये पार्क है और इसका ये एड्रेस है 11 बी नॉर्थ कराची। तो चलिए और भी पार्क में चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। फैमिली जाना शुरू हो गई है। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है अपने यहाँ जितने भी पार्क है ना, यहाँ जो है मांस पढ़ने के लिए भी अलग से जो है वो जगह बनाई जाती है। बाकी ओवरऑल पार्क के अंदर जो है वो अच्छे नज़ारे हैं, मस्जिद बनी हुई है, ये जाए नमाज। यहाँ कुछ मोर वगैरह रखे हुए हैं। ये कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, इनके नाम तो नहीं लिखे हुए। अच्छा, हमारे साथ राशिद भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कब से यहाँ इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और माहौल वगैरह पार्क का कैसा है, लोग वगैरह जो आते हैं वो किस तरह से जो है वो पार्क का ख्याल भी रखते हैं नहीं रखते, और मैनेजमेंट वगैरह कैसी है, साफ़ सफाई अच्छी, इंतज़ाम अच्छा है नहीं अच्छा है, ये सारे सवाल अभी राशिद भाई से करते हैं। जी, मैनेजमेंट तो यहाँ की अच्छी है, फिलहाल थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है बजट वगैरह का गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस वजह से पार्क की थोड़ी मेंटेनेंस ख़राब है, बाकी जेंट्री बहुत प्यारी है यहाँ की। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पार्क अच्छा साफ़ सुथरा जो है ना वो गंदगी वगैरह नहीं है, कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए, थोड़ा सा अपने स्टॉल्स के बारे में भी बता दें। स्टॉल तकरीबन यहाँ पे 8 साल से हम लोग यहाँ पे ना, जब से पार्क ओन हुआ जब से, अच्छी क्राउड आता है और स्टॉल पे भी कम रियायत में चीज़ें मिलती हैं। स्टॉल्स पे आपके पास क्या क्या मौजूद है? हमारे पास बच्चों के टॉयस वगैरह, फिर बच्चों के बिगर वगैरह हैं, और उसके अलावा फिर जुल्ली है, मोबाइल पाउच वगैरह है, क्रॉकरी है, बच्चों के फिटर वगैरह भी हैं, लेडीज आइटम भी हमारे पास देखें, फिर आगे जुल्ली है और मोबाइल पाउच वगैरह सब हैं। और ये बहुत प्यारी प्यारी जुल्ली लगाए हुए हैं, ये देखें आप,
अच्छी अच्छी जुल्ली होती है और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। प्राइस सर ये 200 और 250 की होती हैं, ये सारी कैजुअल वेयरिंग की होती है ना। ये लेडीज़ का सामान तो जो है वो भरपूर रखा हुआ है भाई, हर जगह लेडीज़ को वैल्यू दी जाती है, उन्हीं का सामान रखा हुआ है। मर्दों का यहाँ मुझे कोई स्टॉल पे कोई एक आइटम नज़र नहीं आया, क्या बात है भाई, ये मर्दों का आइटम क्यों नहीं रखते आप लोग? मर्दों की बात, असल मसला मर्द थोड़े बहुत कंजूस होते हैं जो लेते नहीं है, तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अपने बच्चों को दिला देते मर्द और अपनी लेडीज़ जो आती हैं उनको दिलाते हैं, उन पर कैसे पैसा खर्च करें या अपने ऊपर करें? हुकूमत की तरफ से सर महंगाई इतनी हो गई, क्या करें भाई? कोई टी शर्ट लगा लें, कोई शर्ट लगा लें, कोई बेल्ट लगा लें, नहीं कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इतनी लंबी स्टॉल है, बच्चे और बस लेडीज़ कवर करा हुआ है। चलें ये भी अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे पार्क वगैरह में हो रही है। ये चाट है, गोलगप्पे हैं, फ्रेंच है, बर्गर है, दही बड़ा है, ये आलू है, सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही उम्दा और ताज़ा माल तैयार किया जाता है रोज़ाना, और ये प्लेट बन रही है। ये हमारे शाहिद भाई हैं जो मशहूर कारीगर हैं यहाँ के, सब चीज़ के रायता वगैरह, दही वही, चाट वाट, सब चीज़ का ताज़ा और आला इम्तान बरकत है। और गोलगप्पे वगैरह है, फ्रेंच है, बर्गर है, और ये सब 100 रुपये की है। चलें जी, ये थे अब्दुल लतीफ़ भाई, माशाल्लाह जो है इनका फूड का सेटअप है बहुत प्यारा, और यहाँ गोलगप्पे वगैरह भी लगाए हुए हैं इन्होंने, ये पूरा इन्हीं का सेटअप है। और देख सकते हैं साफ सुथरा रखा हुआ है, तो 11B के पार्क में आएँ और विजिट करें और इनका फूड ट्राई करें। तो ये था 11B का पार्क जो हमने आपको दिखाया है, तो जू भी है यहाँ, स्टॉल्स भी हैं, फूड एरिया भी है, बच्चों के झूले वगैरह भी हैं, अच्छा खासा यहाँ इंतज़ाम है। तो आइए और जो है ना 11B का पार्क जो है बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।